अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दिया और आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो हम सब पाकिस्तानियों का फेवरेट मतलब मनपसंद नाश्ता है, पूरी हलवा। किसको पूरी हलवा पसंद नहीं है होता, और घर के बने हुए पूरी हलवे की तो बात ही अलग होती है। मगर जब भी घर में बनाने की ये बात होती है तो भाई कहा जाता है भाई बाहर वाला हलवा होना चाहिए, बाहर जैसा हलवा होना चाहिए। तो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल बाहर जैसा हलवा, अब घर में बहुत साफ तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है शीरा बनेगा हलवा का। मगर हलवे के लिए मैं आपको एक रेशियो बता दूँ, 3:2:1, मतलब 3 कप पानी, 2 कप चीनी, 1 कप सूजी। जी हाँ, ये रेशियो आप कहीं नोट कर लें और अपने जहन में जो है इसको अच्छे से जो है ना जहन नशीन कर लें, तो आपका हलवा कभी भी जो है ख़राब नहीं बनेगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉस पैन चढ़ाया, उसमें मैंने 3 कप पानी, ठीक है, और 2 कप चीनी डाला, और इसमें कुछ इलायची के दाने 3 से 4 या 2 जितना आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, और 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग ऑरेंज वाला वो मैंने डाला। अब इसको जो है हमने बस उबालना है कि इसमें कोई 2 तार 3 तार वाला कोई सीन नहीं है, बस आपने जो है चीनी को हल करना है, आपका शीरा तैयार है। अब दूसरी तरफ आइए, हलवा बनाने के लिए घी गर्म करना है। इसमें मैंने जो है 1/2 कप डाला था। अब घी आपके ऊपर है, जितना मर्ज़ी आप डालना चाहें डालें। बहुत से लोगों को बहुत अच्छा देसी घी वाला हो तो फिर आप भले 1 कप डालें, मैंने 1/2 कप डाला था, ठीक है। उस घी गरम किया था मैंने, उसमें 1 कप जो है सूजी डाली, उसको आपने अच्छे से भून लेना है, भुनाई आप कर लें, और दूसरी तरफ आपका शीरा भी पकता जाएगा। शीरे को आपने अच्छे तरीके से पका लेना है, ठीक है, और सूजी की भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है कि इसमें से जो है ना अरोमा आना चाहिए। अच्छा, भूनते वक्त आप अपने जो है चूल्हे का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि उसका जो है आँच धीमी रहे, तो फिर भुनाई बहुत अच्छी होगी और खुशबू भी बेहतरीन आएगी। अगर आपने आँच अगर तेज़ रखी होगी तो सूजी जो है वो जल जाएगी, और जो जलने की जो सूजी की स्मेल होती है ना, मतलब टेस्ट आता है उसका बाकायदा, वो कड़वा सा हो जाता है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। मेरी सूजी की भुनाई तकरीबन हो गई है, और दूसरी तरफ मेरा शीरा भी जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसमें जो है डालने वाली हूँ केवड़ा। जी हाँ, केवड़ा डाल दें, केवड़ा वाटर या केवड़ा अगर एसेंस आप डालने हैं तो वो फ्यू ड्रॉप्स जाएगा, अगर केवड़ा वाटर है तो फिर वो तकरीबन 1 टीस्पून में डाल रही हूँ, क्योंकि एसेंस जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वाटर थोड़ा सा माइल्ड होता है। बस मैंने डाला, मैंने देखें चूल्हा बंद कर दिया, मेरी सूजी बिल्कुल परफेक्टली भून चुकी है। अब आराम से बहुत ध्यान से आँच का ध्यान रखिएगा, आँच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए क्योंकि इसमें छींटे आने का बहुत ख़तरा होता है। बस ये डाला शीरा मैंने भुनी हुई सूजी में, और देख लें आँच मेरी कितनी है, ठीक है, आँच का ध्यान रखिएगा, और एक दफ़ा इसको आपने अच्छे से स्टेयर करना है, फिर इसको कवर कर दें, और धीमी आंच पे आप इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे इसको छोड़िएगा। बस आपका सूजी का हलवा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये देखें लग रहा है ना बाहर वाला, परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है और बेहतरीन घी जो है इसने सूजी के हलवे ने छोड़ दिया। इसमें कोई भुनाई वाला चक्कर नहीं है कि आप इसको जो है लगे पड़े रहें इसको भूनने के लिए, कोई भुनना नहीं है, बस भुनाई आपकी वही थी जब आपने सूजी और घी को भूनना था। दैट्स इट, आपका जो है सूजी का हलवा परफेक्टली बाजार वाला बिल्कुल तैयार हो गया। नट्स डालें, जो आपका दिल चाहे आप डालें। अच्छा, अब आते हैं पूरी के लिए। पूरी जो है एक्चुअली मेरी अम्मी बना रही थी तो मैंने बस तलते हुए कर लिया था रिकॉर्ड, क्योंकि मैं उसकी डो का नहीं कर पाई थी। डो बहुत सिंपल है, आपने जो है 2 कप मैदा लेना है, नमक 1/2 टीस्पून लिया, उसमें जो है 1 टेबल स्पून आपने जो है ऑयल डालना है, उसको बहुत नरम सा आपने आटा गूंद लेना है, और तलते हुए पूरी का ध्यान ये रखना है कि आप कभी भी खुश्की मत लगाएगा पूरी को तलने के लिए, जब हम रोल करते हैं ना मतलब बेलते हैं उस टाइम पर आपने तेल का यूज़ करना है, सही है। और हमारी गरम गरम पूरियां तैयार हो गई थी, थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल गया था, और बस इतनी सी आसान सी रेसिपी थी। आपने इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।